ऐसा ऐसे भी की दुश्मनी हो गई किसी की मारे से। और वो कोच सर, वो तो भले आदमी थे, फिर उन्होंने झूठ क्यों बोला? किसके कहने पर? कौन करवा रहा है इसे? सब मैंने पता करना पड़ेगा। आखिर है कौन जो मारे को आगे बढ़ता हुआ ना देख सके? अब यहाँ तो बदनामी हो ही चुकी है, थोड़े दिनों में गांव तक भी खबर चली जाएगी। और हमने काका काकी को तो तू जानती है, चुप ना बैठेंगे, हंगामा जरूर करेंगे। मुझे उसे कोई फर्क ना पड़े वापस। बड़ा अजीब सा हो रहा है, ऐसा लगता है कि अब तुझे यहाँ रहना ना चाहिए। मुझे लगता है तुझे मारे से देर तक को चले जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट वाले तो अब तुझे दाखिला ना देंगे फिर से, और यहाँ तू शायद सिर्फ अपना समय ही बर्बाद करेगी। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जावे, इससे तो अच्छा यही है बापू साहब कि अपना समय बर्बाद कर। इतनी बदनामी तो हो ही चुकी है पहले, अब इससे ज्यादा की होगा। जिंदगी बर्बाद हो जाए, इससे तो अच्छा यही हुआ बापू साहब कि अपना समय बर्बाद कर लूं। इतनी बदनामी तो पहले हो चुकी है, अब इससे ज्यादा और यही होगा। और अगर मैं तुम्हारे साथ इत्तरपुर लौट गई ना, तो सबने विश्वास हो जाएगा कि गलती मारी थी। सबके लगे हुए इल्जाम सच हो जाएंगे। इसलिए बापू साहब, जब तक अपने ऊपर उड़े कीचड़ का एक एक छींटा मैं साफ ना कर लेती ना, मैं यहाँ से कहीं ना जाऊंगी। यही बात, इसलिए अब सबके सर झुकेंगे और मैं अपना सर गर्व से ऊंचा करके एकेडमी में वापस लौटूंगी। तो सीन में वही हो रहा है, फालतू के साथ हमेशा की तरह गलत हो रहा है। फालतू फिर से अपनी अच्छाई के चक्कर में दूसरों के जाल में फंस चुकी है और उसे गलत प्रूफ कर दिया गया है तनीष और कनिका के द्वारा। और इसमें विशाल सर और उसकी 300 कॉल फ्रेंड्स भी मिले हुए हैं। अब लेट्स सी फालतू इन सबका बदला कैसे लेगी। तो कोच सर तो एकदम मुंह पे ही पलट गए, फालतू के मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। पर फालतू कहीं ना कहीं जानती है कि विशाल अपने मन से नहीं कर रहा है, इसके पीछे किसी का तो हाथ है। अब फालतू पता करेगी और उन सब की बैंड बजाएगी। हाँ नहीं तो डिसीजन तो यही है कि जब तक अपने ऊपर लगे हुए कीचड़ को साफ नहीं करेगी, फालतू कहीं नहीं जाने वाली। अगर वो चली जाएगी तो सबको यही लगेगा कि फालतू गलत थी, इसलिए।